पैरों से क्या पागल हो वो आई क्यों तुम्हारे रूम पे इतना पूछ रही हूँ इतना ही जवाब दो बस ऐसे ही मिलने आई ऐसी मिलने कौन आता किससे ऐसे ही मिलने मैं मैं तुमसे मिलने नहीं आती हूँ ऐसे ही तो अबे रिलेटिव क्यों आते हैं तुम्हारे घर पे मिलने क्यों आते? के लिए क्यों आते हैं मिलने के लिए मिलने के रिलेटिव तो जब आते हैं जब उन्हें कुछ खाने का ज्यादा मन होता है या फिर कभी मेरा पैर टूट जाता है कभी मेरे हाथ में चोट लग जाती लगी तब मुझे देखने के बहाने आते हैं और खा के चले जाते हैं बेबी वो तुम्हारे रिलेटिव है? हमारे रिलेटिव और दुनिया के रिलेटिव थोड़े अलग होते हैं वो ऐसे ही आते हैं घूमने ना ही खाने या किसी का पैर टूट जाता है तो उसको देखने ऐसे नहीं आते हैं एक घर से दूसरे घर कौन घूमने जाता है मेरी माँ मैं मुझे ही नहीं कर सकता इधर नहीं पहले बताओ तो कि वो तुम्हारे घर आई क्यों थी तुम्हारे रूम पे कोई बात मिलने छुपा रहे हो ना कुछ अबे मिलने आई थी मेरे रूम पे ऐसी कोई किसी से मिलने नहीं आता है अरे हम बेड पे बैठे हुए तो तुम्हें तो तुम्हें बेड पे बेड है तो बेड पे बैठेंगे जेन पे तो बैठेंगे नहीं इतना गरीब तो है नहीं नहीं तो यार वो आई क्यों थी पहले ये बता दो मिलने बोला तो तुम बैठे हुए थे नहीं दोनों हम दोनों बेड पे बैठे हुए थे वही बोल रही हूँ दोनों क्यों बैठे हुए थे अरे फिर मैं वॉशरूम गया तो उसके बीच हो सकता है तुम्हारा कॉल आया हो तो मतलब रिसीव क्या होता हुआ क्या घटिया सवाल है वॉशरूम गए क्यों थे तुम इंसान वॉशरूम क्यों जाता है नहीं तुम क्यों गए तुम तो नहीं जाते हो ना बहुत कम कम जाते हो तुम क्या पागल हो गया कुछ भी बता दो रीता आई इतना बता दो रीता आई बात ही नहीं करनी क्या मतलब क्या है वॉशरूम क्यों गए थे पागल वगल हो गए तुम अरे फ्लो फ्लो में निकल जाता है पहले ये बताओ कितने बताओ रीता क्यों आई थी रीता तो मिलने आई थी मुझसे कितनी बार बोलूं यार आज तक कोई रीता नाम की लड़की तुमसे मिलने नहीं आई आज पहली बार रीता नाम की लड़की प्रकट हो गई क्यों ठीक है तो नाम उसका नाम चेंज कर दूं ठीक है उसका नाम है तुम उस लड़की का नाम नामकरण भी करोगे अब मेरी माँ क्यूँ इतना आर्ग्यूमेंट कर रही हो हुआ क्या है क्यूँ आई थी बस इतना बता दो अभी मिलने आई थी थोड़ा मतलब उसको रिलेशन के बारे में डिस्कस करना था कौन सा रिलेशन अरे यार रिलेशनशिप के बारे में उसको थोड़ा डिस्कस करना था मुझसे

मैंने ये कब बोला तो तुमने तो बोला कि अपने बॉयफ्रेंड से रही कर कर, डिस्कस रही थी आई तुम्हारे पास थी बैठी तुम्हारे पास थी और डिस्कस भी तुमसे ही कर रही थी तुम क्या सुनना चाहती हो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में आखिर सच से बता दो आज छुपाना हम, मत हम दोनों के बीच में वो चल रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकती जल्दी बता दो जो तुम सोच भी नहीं सकती मुझे चीट कर रहे हो ना तुम मैंने कहा ना जो तुम सोच ही नहीं सकती

और यार तुम्हें पता चल गई मैंने छुपाने इतनी कोशिश की यार कि तुम्हें पता ना चले लेकिन तुम्हें पता चल गई ये क्या हुआ तो, तुम ना मेरा मजाक मत उड़ाओ सर बता दो पहले क्या बात है यार मैं तो बहुत कोशिश की थी रीता तुझसे बोलता था मैं अभी तुम्हारे पास ही बैठी है? हाँ, है बस जा ही रही है कपड़े पहन रही है कपड़े पहन कपड़े क्यों पहन रही है यार कपड़े तो पहन के आई होगी ना अरे मतलब चेंज कर रही है क्योंकि उसके कपड़ों में कॉफी गिर गई थी गलती से उसके कपड़े कैसे वो लेके आती है यार ऑब्वियसली कपड़े क्यों लेके आती है एक्स्ट्रा कोई मेहमान अगर किसी रिश्तेदार के आ जाता है या फिर हमारे घर पे आता है तो एक्स्ट्रा कपड़े तो नहीं लेके आता वो पूरा बैग पैक करके आई थी कपड़े लेके क्यों तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है वो है? नहीं पहले तुम मुझे क्लियर करो कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे तुम क्लियर करो सब कुछ की क्या बात है क्या नहीं है देखो उसका मेरा रिश्ता ऐसा है जो तुम कभी सोच नहीं सकती वो यहाँ पे सूट के पूरे कपड़े पैक करके आई थी वो भी तुम सोच नहीं सकती और वो रिलेशन की डिस्कस करने आई थी वो भी तुम सोच नहीं सकती हम एक ही बेड पे बैठे थे वो भी तुम सोच नहीं सकती इसलिए सारी बातें तुम्हारी सोच से बाहर है तो नहीं तुम सोच में लाओ मेरी बातों को सोच में लाओ आप लाओगी तुम तुम ना नहीं मैं समझूंगी मैं सब समझूंगी पहले मैं तुम मुझे जो तुम समझ रही हो तुम वही समझ लो क्या समझू क्या समझ रही हो हूँ तुम पूछ रहा हूँ तुम्हारा और उसका कुछ चल रहा है बस बस मुझे पता था तुम तुम भाई तुम्हारी थिंकिंग यहाँ से ही जाएगी इससे ऊपर तो बढ़ी नहीं पायेगी यार एक लड़की अपने उसके बॉयफ्रेंड के रूम पे आई है तो यार थिंकिंग यहीं तक तो जाएगी इससे आगे कहां तक जाएगी अच्छा हां प्लीज बता दो ना क्या बात है नहीं 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 जो तुम सोच रही हो वही है यार प्लीज बता दो ना आई लव यू यार रीटा बस रीटा को लव यू क्यों कह रहे हो यार मैं तुमसे प्यार करती हूं तुम्हारे बनाने रह सकती प्लीज टेंशन मत ले बस प्यार करता हूं मैं बात मत करो नहीं, तो, तो, तो तुम्हारी थिंकिंग जा पे जा रही है उसको तो सही बोल रहा हूँ गलत ठहरा तुम मुझे बताओगी क्या बात है मुझे गलत ठहरा दो मुझे बुरा, मुझे बुरा नहीं लगेगा मुझे एक परसेंट भी बुरा नहीं लगेगा तुम मुझे गलत ठहरा दो बस तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मुझे अच्छा लगेगा मुझे बुरा कुछ भी नहीं लगेगा मुझे सब कुछ सही लगेगा तुम गलत ठहराहो नहीं मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहता नहीं ठहरा तुम ठहराओ नहीं रो नहीं तुम गलत रीटा आई थी मेरे बॉयफ्रेंड वो पागल मेरी बात सुन लो कम बोला करो सो समझ के बैग वैग पैक करके आई है एक्चुअल में वो प्यार करती है तुम यार जा तो चुप रहो जा बोलो तो भाग के मतलब शादी करना चाह रही है किससे प्यार करती है किससे शादी करना चाहती है क्यूं? क्यूं तुम्हारे पास सब बताओ ना प्लीज तुम थोड़ा सोचना बंद करोगी मेरी बात सुनोगी तो, 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 तो मैं कुछ बोलूंगाओगे तो तुम तुम अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखोगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा हाँ, लिया तो आगे तुम्हें चल रही है सोचना बंद करोगी तब तक मैं कुछ कहूंगा बंद कर दिया पक्का बंद कर दिया अभी भी चल रही है बंद कर दिया वो मेरे रूम पे आई थी एक्चुअल उसका बॉयफ्रेंड भी मेरे रूम पे आया हुआ है जो है और दोनों आए थे पहले रिटायर दोनों है ना मतलब हाँ पहले रीटा आई थी तो मतलब रीटा को कुछ बात बात करनी थी क्योंकि वो भाग रही है भाग के शादी कर रही है अपने बॉयफ्रेंड तो पूछ रही थी फैसला सही है या गलत तो मैंने उसको थोड़ा समझाया इतने में उसके बॉयफ्रेंड फोन करके फिर वहां पे बुलाया अब दोनों को मैंने डिस्कस कराया है कि भाग के शादी मत करो फैमिली को समझाने की थोड़ी कोशिश करो तो बोले फैमिली नहीं मान रही एक्चुअली में लड़की वाली फैमिली मान गई है मतलब जो मेरा दोस्त है उसकी फैमिली मान गई है बट जो रीता है उसकी फैमिली नहीं मान रही तो मैं वही कह रहा हूँ कि फैमिली को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो एक्चुअली में रीता की फैमिली में से भी उसकी मम्मी मान गई पापा नहीं माने तो मैंने मान जाएंगे जब मम्मी मान गई तो पापा तो मान ही जाएंगे तुम्हें तो, तो पता है बीवी राजी तो क्या करेगा काजी सही बात है ठीक है अब मैंने कहीं मम्मी मान गई तो पापा तो धीरे धीरे मान ही जाएंगे भागने की ट्राई व्राई मत करो तो अभी उनको वो समझा रहा था तो फिर उनके लिए मैंने दोनों को कहा प्राइवेसी दू थोड़ी बात बात करेंगे डिस्कस करेंगे फिर उनके लिए कॉफी बनाने चला गया तो वो कॉफी फिर उसके वहां पे कॉफी फैल गई थोड़ी तो वो चेंज कर रही थी और मैं वॉशरूम में वॉशरूम गया था ठीक है इसलिए मेरे पीछे मोबाइल पड़ा था उसने रिसीव कर लिया जिसपे तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया तो यार तो देख के मुझे बोल ली है एक काम करो मंग तुम पहले अपने रिलेशनशिप को संभाल लो फिर हमें टिप्स देना करवा दी तो यार थोड़ी मन को खुशी मिल गई नहीं तो तुम तो मुझे बताते तो मैं नहीं बोलती रही है। सब तुम मुझे बताओ तो मुझे पता तो, तो, तो मिल गई होगी बेइज्जती करा के मेरी ठीक है सोरी ना अब। नहीं सॉरी तो क्या गलती हो गई तो हो गई मेरे दिमाग पता नहीं मेंल्टू फुलतू बातें आ गई तुम्हारा दिमाग उल्टू फुलतू चलता रहता है दिमाग को ना थोड़ा सही चलाओ और जो सावधान इंडिया होते हैं जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं ना इनको थोड़ा बंद करो देखना और जो तुम्हारे नहीं जो आजकल के तुम्हारे सीरियल वीरियल चल रहे हैं ना कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दोस्त दोस्त इन सब में ये सब हो रहा है देखना बंद करो ये तुम्हारे दिमाग को खराब कर देंगे सब बातें तुम्हारी समझ में आई बस एक बात हजम नहीं हुई डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही पर हो नहीं पा रहा डाइजेस्ट बताओ है कि वो जब तुम उसे समझा रहे हो कि भागो मत ये वो फिर भी वो बैग लेके आ गई मेरी माँ वो पूरी भागने की प्लानिंग में ही आई थी तो फिर एक बार उसने सोच मुझसे मतलब डिस्कस किया तो मैंने उसको बोला इसलिए बैग लेके आई लिया सो गरीब से सलाह ले लोटी गरीब से सलाह ले लो गरीबी तो यार ये तो घूसा मारूंगा ना

ख्वाहिश है मेरी तमन्ना है मेरी कि मुझे सातों जन्म लोग पति मांगती है औरतें मैं मांगूंगी सातो जन्म मुझे ऐसा जो भी था देखो सातों जन्म एक लड़की मांगती है की सातों जन्म उसे यही पति मिले सातों अच्छा जन्म अब रीटा उसके बॉयफ्रेंड को मैं थोड़ा समझा लूं फिर वो चले फिर मैं तुम्हें कॉल कर समझाओ यार बस मतलब मान गए रूम पे आया हुआ है ऐसा भगा दूं तो उनको प्राइवेसी दो ना तुम तो प्राइवेसी दे रहा हूँ मैं फोन कट करके अब उनके लिए दूसरी कॉपी बनाने जा रहा रूंग क्यों बनना है तो बात कर लो ना तुम चुप रहो भाई ठीक है भाई रख दो फोन